नमः शिवाय। मैं हूँ चेतना मिश्रा। आज आपके साथ एक बहुत ही सुंदर कविता, एक बहुत ही सुलझे हुए कवि ने जो गाई, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ब्राह्मण समाज की तरफ से। ब्राह्मण जब से पैदा हुई शक्ति का नाम है, ब्राह्मण त्याग से जन्मी भक्ति का नाम है, ब्राह्मण ज्ञान के दीप जलाने का नाम है, ब्राह्मण विद्या का प्रकाश फैलाने का काम है, ब्राह्मण स्वाभिमान से जीने का ढंग है, ब्राह्मण सृष्टि का अनुपम अमिट अविरल अंग है, ब्राह्मण विकराल हलाहल पीने की कला है, ब्राह्मण कठिन संघर्षों को जी कर ही पला है, ब्राह्मण ज्ञान भक्ति त्याग परमार्थ का प्रकाश है, ब्राह्मण शक्ति कौशल्य पुरुषार्थ का आकाश है, ब्राह्मण न धर्म न जाति में बंधा इंसान है, ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान है, ब्राह्मण कंठ में शारदा लिए ज्ञान का संहारक है, ब्राह्मण हाथ में शस्त्र लिए आतंक का संहारक है, ब्राह्मण सिर्फ मंदिर में पूजा करता हुआ पुजारी नहीं, ब्राह्मण घर घर भीख मांगता भिखारी भी नहीं, ब्राह्मण गरीबी में सुदामा सा सरल है, ब्राह्मण त्याग में दधीची सा विरल है, ब्राह्मण विषधरों के शहर में शंकर के समान है, ब्राह्मण के हस्त में शत्रुओं के लिए परशु कीर्तिमान है, ब्राह्मण सुखते रिश्तों की संवेदनाओं को सजाता है, ब्राह्मण निषिद्ध गलियों में सहमे सत्य को बचाता है, ब्राह्मण संकुचित विचारधाराओं से परे एक नाम है, ब्राह्मण सबके अंतस्थल में बसा अविरल राम है। कर्म की भूमि पर किस्मत के फूल खिलते हैं, कर्म की भूमि पर किस्मत के फूल खिलते हैं, नसीब अगर बुलंदी पर हो तो ही ब्राह्मण के घर जन्म मिलते हैं। अभिमान करें, स्वाभिमान करें, अपने ऊपर गर्व करें कि आप एक ब्राह्मण हैं। अपने सनातन पर, अपने ऋषि मुनि जो भी हुए हैं, उन सब का कोटि कोटि वंदन करें कि उन्होंने आपको धरोहर में वो ज्ञान, वो सारी चीज़ें दी जिससे आप इस विश्व का, इस देश का कल्याण कर सकें। तो अपने होने पर अभिमान करें। ब्राह्मण होना अपने आप में एक गर्व की बात है। जय श्री परशुराम, जय श्री महाकाल, नमः शिवाय।